बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर है, बहुत बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है? लोगों को इन्फ्लुएंस करना, लोगों को खुद के जैसे बनाना, लोगों को अगर आप अच्छा काम कर रहे हो वो चीज दिखाना एंड साथ ही साथ वही चीज सिखाना। और मुझे लगता है कि एक इन्फ्लुएंसर का ये सबसे बड़ा काम होता है कि गलत को गलत, सही को सही बोलना। मुनव्वर फारूकी ने ऐसा ही कुछ किया है, लेकिन क्या किया है उसके बारे में मैं सुपर्णा बात करूंगी, बहुत सारे गॉसिप जो है आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इसीलिए तो मैं आ जाती हूँ आप लोगों के पास। लेकिन सबसे पहले सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे मैक्स पंच विद सुपर्णा। रिक्वेस्ट करूंगी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का वेटिंग है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सो गाइस, मुनव्वर फारूकी के बारे में बहुत लोगों का बहुत कुछ कहना है। जैसे मैंने एक रिसेंटली वीडियो भी अपलोड की थी मुनव्वर फारूकी ने जो मजाक किया था ईशा मालविया को लेकर, उसके बारे में। उसमें कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग ही था कि आप एक लड़की हो, जो कि मुझे पता था कि अगर मैं मुनव्वर के बारे में बोलूंगी तो कुछ लोग तो जरूर आकर बोलेंगे कि आप लड़की होकर ऐसे लड़के को कैसे सपोर्ट कर। मैंने ये चीज बहुत बार अपने वीडियोस पे क्लियर किया है, लेकिन यस, लोगों का क्यूरियोसिटी है, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं एंड कहीं से भी आकर कुछ भी बोलता है। तो रिक्वेस्ट करूंगी भाई, सबसे पहले तो पूरा वीडियो देखो, पॉइंट ऑफ व्यू को समझो, उसके बाद अपना जो ओपिनियन है शेयर करो इन अ प्रॉपर वे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप चीजों को नहीं समझ रहे हो या पॉइंट ऑफ व्यू के नहीं समझ रहे हो, देन इट्स अ प्रॉब्लम। देखिए, मुनव्वर फारूकी ने जो चीज किया था आयशा खान के साथ, कोई भी, या लड़की हो या लड़का हो, कोई भी ये नहीं कहेगा कि मुनव्वर फारूकी वॉज राइट, क्योंकि मुनव्वर फारूकी खुद ही ने भी कहा है कि मैंने जो भी किया था वो गलत है, क्योंकि वो गलत है तो गलत है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उस गलती को सही करने के लिए मुनव्वर फारूकी ने जो भी किया था शायद कुछ लोग भूल गए हैं। शो के अंदर, शो उसके लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, वो बंदा शो को ही भूल गया। पूरा एफर्ट दिया था आयशा खान के पीछे ताकि उसका जो गिल्ट है वो कम हो सके, क्योंकि उसका भी शायद मानना ये है कि कर्मा जो है वो बैकफायर करता है, जिसके वजह से वो अपना 200% एफर्ट दिया था आयशा खान के लिए ताकि जो भी गिल्ट है वो चीज क्लियर कर सके। और साथ ही मैं आयशा खान को बोलूं, आयशा खान को इतना फेम मिला है, आज लोग आयशा खान को एज आयशा खान जानते हैं। क्यों जानते हैं? डेफिनेटली मुनव्वर की वजह से। मुनव्वर नहीं होता तो मुनव्वर के नाम पे वो बिग बॉस जैसे शो पे नहीं जा पाती, बिग बॉस पे नहीं जाती तो इस फेम गेम का कुछ काम ही नहीं था। हाँ, लेकिन एक बात बोलना चाहूंगी कि यस, नजीला के साथ जो हुआ था वो गलत था, लेकिन मुनव्वर जो है अपना जो भी गलती था वो एक्सेप्ट किया। देखो, एक चीज मेरा मानना है कि हम इंसान हैं, इंसानी गलती करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उस गलती से आप कितना सीखते हो, आप कितना उस चीज पे काम करते हो, वो मैटर करता है। मुनव्वर फारूकी ने गलत किया, उसको समझा, उसको ठीक करने के लिए अपना 200% दिया। वो शो उसके लिए इतना बड़ा इम्पोर्टेंट एक प्लेटफॉर्म था, फिर भी वो सब कुछ भूल गया जब आयशा आया। तो सब चीज, वो चीज क्लियर होता है। अब अच्छी बात को आप इग्नोर कर दोगे वो गलत बात के लिए, वो तो गलत होता है ना। मुनव्वर फारूकी ने फिर से अपने आप को प्रूव किया कि यस, अगर मैं बोलूं कि इन्फ्लुएंसर का बात, वो सच में एक अच्छा इन्फ्लुएंसर साबित हुआ है एंड बहुत बार हुआ है। इस बार भी इस टॉपिक पे कोई भी उतना कुछ नहीं बोला जो कि एक पब्लिक फिगर होकर मुनव्वर फारूकी ने बोला। लेकिन किस टॉपिक के बारे में बात कर रही हो? आप लोगों को पता होगा रीसेंट पुणे मामला के बारे में। क्यों नहीं पता है? पुणे में एक मर्डर केस हुआ था, क्योंकि मैं उसका एक्सीडेंट नहीं बोलने वाली क्योंकि वो मर्डर ही था। एक 17 साल के लड़का जो कि एक बिजनेस टाइकॉन का बेटर था, उसके पोर्शे से वो हिट किया दो जन को एंड उन लोगों का स्पॉट डेड हो गया। उससे भी बड़ी बात यह है कि स्पॉट डेड इतना बड़ा मामला हुआ, उसका 15 घंटे के अंदर 3 आवर्स का एक 300 वर्ड्स का इफ आई एम नॉट रॉन्ग एजर लिखने दिया एंड उसके बाद 15 घंटे के अंदर उसको छोड़ दिया गया। उसके ऊपर ये भी खत्म नहीं हुआ, उसके ऊपर एक वीडियो क्लिप सर्कुलेट हुआ है सोशल मीडिया पे, जहां पर वो 17 साल का जो बंदा था वो ड्रिंक कर रहा था, लेकिन पुलिस का माने, पुलिस का जो रिपोर्ट आया उसमें वो अल्कोहलिक नहीं था, ड्रंक नहीं था उस टाइम पे। तो ये सारे जो मामला है इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है,
कि सोशल मीडिया पे लोग बोलते हैं, यस लोग कुछ दिन बोलेंगे, कुछ दिन बहुत चिल्लाम चिल्लाई होता है, उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। और मुझे लगता है ये सब चीजों में अगर सेलिब्रिटीज सामने आते हैं तो डेफिनेटली इसमें एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो मुनव्वर फारूकी एज एन सेलिब्रिटी, एज एन ह्यूमन सामने आया इस मामले में। और सच में बोलूं, ये मेरे साथ साथ ऐसे बहुत लोग हैं जिनको अच्छा लगा, क्योंकि ये चीज मुझे लगता है हर एक इन्फ्लुएंसर जो कि सोशल मीडिया पर्सनालिटी है, जिनको सोशल मीडिया पे नाम है, जिनका सोशल मीडिया पे रुतबा है, लोग प्यार करते हैं, उनको इस पे बोलना चाहिए था। लेकिन मुनव्वर फारूकी ने अपना काम बहुत अच्छे से किया एज एन इन्फ्लुएंस सामने आए इस मामले में और अपना आवाज उठाया। उन्होंने रिसेंटली एक पोस्ट किया था जहां पर उन्होंने मेंशन किया वो पोर्शे खरीद सकता है तो बाकी चीजें खरीद ही सकता है। पैसा का मामला है बाबू भैया, दुनिया चलता ही है पैसे पे, क्या कर सकते हैं। वही चीज मुनव्वर ने कहा, जो इंसान एक पोर्शे खरीद रहा है तो डेफिनेटली, मैं मुझे तो प्रोनाउंस करने में भी प्रॉब्लम है, मैंने कभी देखा भी है कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे गाड़ी का नॉलेज भी नहीं है, लेकिन इतना महंगा गाड़ी हम लोग जो नॉर्मल लोग होते हैं वो सपने में सोचते हैं ना, तो इतना पैसा वाला वो बंदा 17 साल का वो एक पोर्शे खरीद सकता है। वो एक डॉक्यूमेंट खरीदना या गलत चीज को खरीदना या पुलिस को गुमराह करना, पुलिस को पैसा खिला देना, ये चीज दिस थिंग्स आर वेरी नॉर्मल। तो वही चीज मुनव्वर फारूकी ने अपना आवाज उठाते हुए ये चीज को कहा है और जिससे लोगों का बहुत ही ज्यादा बड़ा रिएक्शन आ रहा है। लोग प्रेज कर रहे मुनव्वर फारूकी को, इवन उनके हेटर्स भी इसमें बोल रहे हैं कि मुनव्वर भाई यस मान गए, इसमें आपने बोला तो इसमें आपने रिस्पेक्ट खरीद लिया। एंड यस फ्रॉम माय एंड सल्यूट टू यू मुनव्वर फारूकी एंड रियली रियली अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम कि ये चीज में बोलना चाहिए। मुझे लगता है जो लोग बड़े फिगर्स है, जिनको लोग प्यार करते हैं, लोग समझते हैं, लोगों का एक फैन बेस है, एक कनों अलग से जोन है जो उनको रिस्पेक्ट करते हैं, तो यस डेफिनेटली ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए। और मुनव्वर फारूकी ने ये काम करके अपने हेटर्स को भी अपने साथ बुला लिया एंड लोग उनको बहुत ज्यादा प्रेस कर रहे हैं और भी ज्यादा प्यार दे रहे हैं। इसमें आपको क्या कहना है जरूर कमेंट करके बताना, लेकिन मैं तो बोलूंगी भाई हम नॉर्मल इंसान है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो भी है टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये दुनिया बहुत ही खराब जगह चल गया है, मैं मतलब क्या ही बोलूं, मतलब उसके फैमिली के साथ, उन दोनों के फैमिली के ऊपर क्या बीता होगा गॉड नोस। वो जो एरिया है कलानी नगर, मैं लास्ट ईयर भी पुणे में थी, लास्ट टू लास्ट ईयर, कलानी नगर एक ऐसा एरिया है कि वो पॉश एरिया है, बहुत ही जो पैसा वाला रिच लोग होते हैं वो लोग वहां पर जाते हैं, यू नो वहाँ बड़ा बड़ा बिल्डिंग रेस्टोरेंट ये सब होता है। तो उसी जगह में ये हुआ, वो 17 साल के बंदा ने ये हरकत किया जो कि अभी बाहर घूम रहा है, शायद उसके फादर या ग्रैंडफादर का न्यूज़ का माने तो उन लोगों को यू नो अंदर लिया गया है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन हाँ, एज एन सेलिब्रिटी मुनव्वर फारूकी ने आए सामने, लोगों का प्यार मिल रहा है मुनव्वर को इस वजह से। इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जरूर कमेंट करके बताना, नहीं भूलना। अभी के लिए मैं सुपर्णा लेती हूँ आप सभी से इजाजत, जाते जाते रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अभी के लिए इतना ही, मिलता नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।